समस्या में बाढ़ के पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के सिंघिया गांव में एक व्यक्ति को डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि उक्त व्यक्ति को डूबने के बाद पानी में से निकालकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंघिया में लाया, जहां उपस्थित डॉक्टर ने बिना इलाज किए मृत घोषित कर दिया। जब उसे घर ले गया तब उसका श्वास चल रहा था तथा वह हाथ हिलाने लगा। जब पुनः अस्पताल लाया तब दम तोड़ दिया। इसी मामले को लेकर परिजनों ने इलाज नहीं करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए बोला कि यदि डॉक्टर ससमय ऑक्सीजन लगाकर इलाज शुरू कर देते तो शायद इस व्यक्ति की जान बच सकता। इसी बातों को लेकर परिजनों ने आक्रोशित होकर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाकर हो हंगामा किया है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा पदाधिकारी एवं अंसारी ने बताया कि उक्त व्यक्ति पहले ही मर चुके थे। उक्त व्यक्ति की पहचान सिंघिया दो के राजेश कुमार सिंह के रूप में की गई है। पानी में डूब के गिर गया। गिरने के बाद हॉस्पिटल लाए तो फिर घोषित कर दिया। घर पर गए तो उसका श्वास चल रहा था, हाथ उठा रहा था, आँख खोल रहा था, फिर लेके आए, फिर बोला कि नहीं मृत घोषित। हॉस्पिटल में भी आया तो आँख खोला, हाथ उठाया, सब कुछ किया, फिर लगाया, उससे पहले नहीं लगाया, मृत घोषित कर दिया। कोई इलाज नहीं है हॉस्पिटल में, मना हुआ हॉस्पिटल है सिंघिया। क्या नाम था जो मर गया? राजेश कुमार सिंह। राजेश कुमार सिंह पिता का नाम ताराकांत सिंह। सिंघिया दो व्हाट्सएप हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था।